घर चलो अभियान के तहत उपराजधानी के बेसा परिसर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुरे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के 9 सालों में पूरे किए गए वादों और कार्यों से लोगों को अवगत कराते हुए साल 2024 में भी उनका समर्थन मांगा है। इस समय केंद्र सरकार के किए गए अनेकों कार्य का संयुक्त पत्र परिसर में जनता को देकर बावनकुले ने कहा कि एक कमल का वोट क्या कर सकता है, ये बात जनता को इस पत्र के जरिए पता चलेगी। इस अवसर पर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पूरे किए गए 9 सालों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 130 करोड़ की जनता के लिए जो निर्णय लिए गए हैं और जिन वादों की बिना पर लोगों का वोट लिया गया, उनका क्या हुआ। इन पूरे साल में मोदी सरकार ने क्या क्या किया और किन किन वादों को पूरा किया, इन सभी से जनता को अवगत कराने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी घर चलो अभियान के तहत लोगों तक पहुंचकर उनका समर्थन ले रहे हैं। लोगों तक ये बात पहुंचाना जरूरी है कि उनके दिए गए वोट का आखिर क्या हुआ। जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 130 करोड़ जनता के लिए जो निर्णय लिए और हमने जब मोदी जी ने वोट लिए, हमने जो मैनिफेस्टो दिया कि वोट लेने के बाद हम क्या करने वाले हैं, तो हमारा ये संस्कार है, हमारा ये जवाबदारी है कि हमने जब वोट लेते हैं तो उस वोट का क्या हुआ। तो हम ये जो पत्रक है इसमें सारे मोदी जी ने किए हुए, केंद्र सरकार ने किए हुए 9 साल, माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हुए सारे काम, आपने देखा होगा नागपुर जिस प्रकार से बदल चुका है, केवल एक कमल का वोट क्या कर सकता, आपने इस पत्र में देखेंगे। तो हम जनता तक जा रहे, हमारी बात रख रहे, हम कह रहे हैं कि 9 साल में हमने ये किया है और हमारा ये दायित्व है वोट लेने के बाद कि हमने क्या किया है और आगे के लिए समर्थन मांगना है। मोदी जी फिर एक बार इस देश को विश्व का सबसे अच्छा देश होगा, विश्व में अपना भारत आत्मनिर्भर होगा, विश्व में हमारा देश सबसे ऊंचाई पे होगा, ये जो संकल्प मोदी जी ने किया है उस संकल्प को साथ देने के लिए हम जनता के पास जाकर उनको समर्थन मांग रहे हैं। तो ये हमारा ये प्रयास है, इसलिए हम घर चलो अभियान कर रहे हैं। मुझे अपेक्षा है कि नागपुर की, विदर्भ की और महाराष्ट्र की, पूरे महाराष्ट्र में हमने हमारे सारे विधायक, हमारे सारे सांसद, हमारे बूथ लेवल तक काम करने वाले सारे कार्यकर्ता 3 करोड़ घर में जा रहे हैं, 3 करोड़। मैं खुद घर चलो अभियान में जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हमको अच्छा समर्थन मिलेगा। मोदी जी के लिए, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री करके 2024 में फिर एक बार शपथ लेंगे, उस शपथ विधि में हमारे महाराष्ट्र से 45 सांसद हाथ ऊपर करके खड़े रहेंगे, ये हमारा घर चलो अभियान का नारा है और निश्चित रूप से जनता हमें समर्थन देगी। हम जहां जहां जा रहे वहां लोग स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, मोदी जी को ही वोट देंगे, ये जनता भी कह रही है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो ये जनता कहती है कि मोदी जी को वोट देंगे। साल 2024 के चुनाव के लिए यूं तो भाजपा बड़ी जोरों शोरों से तैयारियों में लगी है। घर चलो अभियान के जरिए पार्टी के कार्य में पूरे किए गए वादों और कार्य को लगातार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, पर अब देखना ये होगा कि इसका असर साल 2024 के चुनाव पर कितना पड़ता है। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।